कोरोना के संभावित चौथी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड पर है। इसे लेकर हजारीबाग सदर अस्पताल में कोरोना से संबंधित किसी भी घटना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं में जरूरी चीजें जैसे आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर युक्त बेड का निरीक्षण किया गया। साथ ही एम्बुलेंस से कोरोना पॉजिटिव मरीजों को आईसीयू बेड तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को पीपी किट पहनकर स्वास्थ्य कर्मियों ने अभ्यास किया। ऑक्सीजन सप्लाई है पीएसए प्लांट से, दो पीएसए प्लांट फंक्शनल है, उसका भी मॉक ड्रिल हो चुका है। दोनों हमारे जनरेटर पीएसए प्लांट के लिए जो अलग से हैं वो काम कर रहे हैं अभी, और अभी आपने पेशेंट का मॉक ड्रिल देखा ही, उसका कवरेज आपने लिया है। बाकी अभी तो मेरे यहाँ मेडिसिन भी काफ़ी हैं, आगे देखें। अक्सर पहले वेव में, दूसरे वेव में, तीसरे वेव में भी यह देखा गया कि ग्राउंड लेवल पर रहते हैं कर्मी स्वास्थ्य में, उनको काफ़ी परेशानी होती है। फिलहाल जो मॉक ड्रिल हुआ उसमें क्या ऐसा बताया गया जो पिछले बार नहीं बता पाया गया था, किसी कारणवश वो चीज़ छूट गई थी? पहले असल बात है कि चूंकि आपदा पहली बार आई थी और धीरे धीरे सभी लोग हमारे लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर वाघमारी प्रसाद कृष्ण द्वारा लोहरदगा सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। उपायुक्त ने ऑक्सीजन प्लांट, कोविड वार्ड, आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। मौके पर उपायुक्त ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर आज लोहरदगा सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जिसमें कोरोना वायरस से निपटने के जो भी सुविधाएं सदर अस्पताल में मौजूद है उसकी समीक्षा की गई। माननीय स्वास्थ्य मंत्री और अपर मुख्य सचिव का ये ऋषि हुआ था, उसमें निर्देश दिया गया था कि आपके पास कैसी कैसी तैयारियां हैं, इस संबंध में लोहरदगा से पूछा गया था। तो हमारे आदरणीय डीसी महोदय स्पष्ट बोले कि हमारे जिला में 9 एक्टिव केस हैं, सारे आइसोलेशन में हैं, और हमारे नर्सेज हैं, वेंटिलेटर और डॉक्टर चलाने के लिए सक्षम हैं, और कोविड वार्ड भी तैयार है। और इसलिए मैं लोहरदगा वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ना हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, ना मेडिसिन की कमी है, ना इमरजेंसी मेडिसिन की कमी है, और हम लोग जो 2020 में जिस कमी को झेले हैं उस कमी को हम पूरा कर दे रहे हैं। और मैं अपील करता हूँ लोहरदगा वासियों को कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं और हाथ को धो कर बार बार साबुन से उसका यूज करें, और जो प्रोटोकॉल है नियमों का पालन करें, उनको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं। स्वास्थ्य विभाग पूरे तरह से कोरोना से लड़ने के लिए तैयार।